इस मैच के एनालिसिस को कहीं ना कहीं शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर यहाँ पर डिलीट कहना चाहेगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड से, नेपाल क्रिकेट बोर्ड से सीधे सीधे एक अपील होगी डिलीट क्रिकेट की। रिक्वेस्ट हमने पहले भी की है, लेकिन इस बार वापस से एक चीज़ जरूर हम उठाएंगे और जरूर उनसे कहना चाहेंगे, अगर आप लोग जो है वीडियो शेयर करके उन तक ये चीज़ पहुँचा पाए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिस आउट कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड में हम जरूर कहना चाहेंगे। लेकिन पहले जिस लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है उस पर बात की जाए। सबसे पहले यहाँ बात करें तो 4 out of 4, चार के चार मैचेस यहाँ पर उन्होंने लिए अपने ग्रुप स्टेज में जीत कर, कहीं ना कहीं फाइनल में एक धमाकेदार एंट्री मारी है यहाँ पर नेपाल ने। और पहले मैच के अलावा, पहले एक दो मैचेस के अलावा, जो लास्ट में दो मैचेस हुए हैं वहाँ पर एक अच्छा खासा टेस्ट हुआ है टीम का, अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया गया है, उतनी तरह से ना लिया गया हो क्योंकि वो इतने डोमिनेंट तरीके से खेले हैं, लेकिन फिर भी कई कई पैमाने पर टेस्ट लिया गया है प्लेयर्स का, और उसमें वो टीम जो है पूरी तरह से खरी उतरी है अभी तक अगर हम देखें चारों गेम्स में। आज के गेम की बात करें तो यहाँ पर नेपाल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया, एक आध चेंजेस यहाँ पर आज देखने को जरूर मिल जाएगी, ठीक है क्योंकि आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस वगैरह सबको मौके देने की जरूरत थी। तो सबसे पहले यहाँ आया यूएई बैटिंग करने के लिए आया, वो बैटिंग के एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं फेस बाय फेस कंपैरिजन में आज नेपाल ने किस तरह से यूएई को मात दी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम फेस बाय फेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो 1 से 6 ओवर में पावर प्ले में 1 में वहाँ यूएई ने 55 रन बनाए और 2 विकेट का उन्हें नुकसान हुआ, वहीं नेपाल ने 1 से 6 ओवर के बीच 37 रन किए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। तो पहला फेस यूएई यहाँ जीतता हुआ क्लियर है क्योंकि 3 विकेट गिरे हैं और कहाँ 57 रन यूएई ने बनाए और सिर्फ 2 विकेट गवाकर। वहीं पर 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर यूएई की बात करें तो उन्होंने 59 रन सिर्फ 2 विकेट का नुकसान हुआ, वहीं नेपाल ने 71 रन बनाए इस 7 से 15 के फेस में, मिड फेस में, और कोई विकेट यहाँ गंवाया नहीं। तो शानदार वापसी यहाँ पर नेपाल की रही और एक एक फेस जो है वो दोनों ने शेयर किया है। वहीं तीसरे फेस की बात करें 16 से 20 की यानी कि डेथ फेस की, तो वहीं पर 50 रन यूएई ने जोड़े 16 से 20 में और 3 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं नेपाल ने आखिर के फेस में अपने 57 रन और जोड़े और 2 विकेट सिर्फ उन्होंने गंवाए। वहीं लास्ट वाला फेस भी ऑब्वियसली यहाँ पर नेपाल ले गया और वो मैच भी इसी के साथ लेंगे। बिल्कुल, तो एक फेस सिर्फ यहाँ पर नेपाल हारा और 2-1 से फेस बाय फेस कंपैरिजन में भी नेपाल ने यूएई को मात दी है। अगर और आज ये कहीं ना कहीं इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ दूसरा फेस हारा है नेपाल। अगर हम देखें एक फेस वो शायद हांगकांग के खिलाफ हारे थे जो अभी हांगकांग का सेकंड मैच हुआ था, उनका हांगकांग के खिलाफ सेकंड मैच हुआ था, तो यानी अब तक 12 फेसेस नेपाल की बैटिंग यूनिट में हुए हैं जिसमें से ओवरऑल हुए हैं 12 फेसेस 4 मैचेस में, जिसमें सिर्फ 2 फेस नेपाल हारा है, बाकी 10 फेसेस में उन्होंने यूएई और हांगकांग को मात दी है, जो कि डोमिनेशन लेवल क्लियरली दिखा रहा है इन ग्राउंड्स पर। और इन सीरीज में अगर बात करें, ये तो बात हो गई फेस बाय फेस कंपैरिजन की, अब चलते हैं जरा यूएई की बैटिंग की तरफ और फिर नेपाल की बॉलिंग पे भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहां पर जरूर रहेगी। शुरुआत सबसे पहले करें मोहम्मद वसीम और यहां पर खालिद शाह, पिछले मैच की तरह कहीं ना कहीं यहां पर ओपनिंग करने के लिए आए और ओपनर्स यहां पर कहीं ना कहीं एक आध शॉट लगाकर ही अपने पवेलियन की तरफ वापस लौट गए। अगर हम देखें खालिद शाह को बहुत मजा आया, सोमपाल कामी का जो एग्रेशन था बहुत मजा आया, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब खत्म होती चली जा रही है फुल वो दोस्ती यारी भाईचारा निभाने में लगे रहते हैं, कुछ अपने गुड बुक्स में रहने के लिए लगे रहते हैं, ये सब चीजें एक स्पाइस अप करती है हमें एशेट्स में अभी भी बहुत देखने को मिलता है, चाहे वो ओमान का मैच हो, स्कॉटलैंड का मुझे याद है, नेपाल के मैचेस हो, यूएसए में जाकर बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐसे जो चीजें होती हैं वो एशेट्स में देखने को अभी भी मिलती हैं। और जो सोमपाल का एग्रेशन था विकेट लेने के बाद वो कमाल का, जैसे आयुष शुक्ला का था उस मैच में जैसे अच्छा लगा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। बस प्लेयर्स का बिल्कुल इस्तेमाल करें इस एग्रेशन का, ये मजा आता है देखने में, आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एग्रेशन निकाल रहे हैं, बस उसमें गालियां वगैरह ना हो, कुछ भद्दे कमेंट्स ना हो, वो सब चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो सोमपाल का एग्रेशन था वो देखते ही बनता था, एक स्पाइसअप होता है कॉन्टेस्ट में। खैर, खुद खालिद शाह को है क्लीन बोल्ड मारा सोमपाल ने, किस तरीके की डिलीवरी थी? नहीं जरूर, देखिए उन्होंने बॉल पटकी थी वो बॉल, और वो बॉल शायद उनको लगा कि ये शायद ज्यादा हाइट पर आएगी, लेकिन उतनी पर आई नहीं और वो स्टंप के नीचे रह गई वो बॉल, और वो आराम से शायद वो थोड़ा सा स्टेप आउट करते तो शायद कुछ बात बन जाती, लेकिन उनको यही लगा कि शायद अंदर भी आई थी बॉल, अंदर भी बिल्कुल बॉल ने पढ़ के बिल्कुल अपनी जो दिशा है वो बदल ही दी, पढ़ के अगर सीधी सीधी आती तो शायद इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन पढ़ने के बाद जिस तरीके से वो बॉल पलटी है, घूमी है, ऐसा लग रहा था कोई स्पिनर उस बॉल को घुमा रहा था, लेकिन खालिद शाह प्ले डाउन हो गए और
ओल्ड हो गए। बिल्कुल, उसके बाद बात करें मोहम्मद वसीम, वो भी कहीं ना कहीं एक साथ शॉट लगाया उन्होंने और वो भी डीप स्क्वायर लेग पे जब उन्होंने इस तरह से फ्लिक किया और कहीं ना कहीं कैच वो थमा बैठे। मोहम्मद वसीम का नेपाल के खिलाफ अभी इन दोनों मैचेस में बल्ला खामोशी रहा है इस ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें। देखना होगा फाइनल में, खैर फाइनल में भी पहुंचना है यूएई को, कल अभी मैच बाकी है, देखना होगा क्या कुछ होता है उसके बाद। एंड विद्या अरविंद की इनिंग को आप क्या कहेंगे, 51 बॉलों में 45 रन, लगता है उन्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी यहाँ खेलने में। बिल्कुल, जबकि बासिल अहमद ने नीचे आकर दिखाया कि यहाँ पर इतना भी स्लो आपको खेलने की जरूरत नहीं है। जरूर 88 का स्ट्राइक रेट है और आप जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, बॉल पड़ी और ऑफ स्टंप पर गई अविनाश बोरा की और उन्होंने बल्ला चलाया, मिस हो गए और बोल्ड हो गए। 41 बॉल खेलकर, 51 बॉल खेलकर अभी भी आंखें सेट नहीं हुई है, ये अपने आप में थोड़ा हैरानी है। अगर इतना टाइम लेकर एक आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे इनिंग को एक वक्त बाद, तो फिर दिक्कत है। अगर आप इसी के सहारे 40-45 बॉलों में अगर आप 45 रन करेंगे 40 रन करेंगे, एक्सीलरेट नहीं होगी इनिंग एक जमे हुए प्लेयर की, तो क्वेश्चन तो उठेगा ही। 88 का स्ट्राइक रेट T20 में, ये तो हंसी की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अपना डाउन भी तो देखिए, आप वन डाउन पर आप आ रहे हैं, इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल नेपाल की बैटिंग में आज हम आपको बताएंगे एनालाइज कर कि विद्या अरविंद जो इनिंग है वो किसकी तरह होनी चाहिए थी, भले ही आपने गेंदें ली हो, आगे बात जरूर करेंगे। उसके बाद आसिफ खान 18 रन बनाकर आउट, एक आउट नहीं लगाया और वो भी कहीं ना कहीं चलते वही गलती की, फिर वही हवाई फायर करने गए और कहीं ना कहीं वो आउट हो गए। मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑफ पे वो जाकर आउट हुए, उनका कैच पकड़ा, अच्छा कैच था वो। खैर तो ये हाथ हुआ है। आसिफ खान से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं सोची हुई डिलीट है, जो कल हमारा वीडियो आएगा बैटिंग यूनिट को लेकर, उस पर बात जरूर करेंगे, उस पर हम अभी यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आसिफ खान का यूटिलाइज यूएई एक बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है जो मिस आउट कर रहा है, कल बात करेंगे उस पर। उसके बाद अलीशान शराफू रन आउट हो गए, 9 रन बनाकर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा और शायद दीपेंद्र सिंह एरी की थ्रो थी और किशन बल्ला ने उन्हें रन आउट कर दिया। एंड बासिल हमीद की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ये बासिल हमीद जो है एक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, फिनिश ठीक ठाक कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पावर, इससे पहले नेपाल के खिलाफ भी 30+ मारे थे इसी टूर्नामेंट में, बहुत शानदार पावर हिटिंग कर रहे हैं इस वक्त और यूएई इसका फायदा उठाए और स्कोर जिस तरीके से कर रहे हैं, ऊपर के बल्लेबाज अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत बहुत बेहतरीन इनिंग है। 5 छक्के 2 चौके 19 बॉलों में, आप देखिए विद्या अरविंद को देखना चाहिए किस तरीके से इन्होंने 19 बॉलों में रन करके दे दिए। आप जमे हुए थे लेकिन आपने एक्सीलरेट नहीं किया, अब आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे तो आप पे क्वेश्चन मार्क उठेगा और अगर वही 51 बॉलों में आप 70 तक पहुंच जाते, क्या इनिंग होती, कमाल की इनिंग होती, लेकिन आप एक्सीलरेट करने में ही चूक गए और जब करना था तब आप सीधी सीधी बॉल पर बोल्ड होके चले गए। बिल्कुल, तो ये बासिल अहमद की इनिंग बहुत शानदार रही, काफी ब्रेव इनिंग उनकी यहाँ पर रही है। उसके बाद अली नासिर 9 रन और नीलेश केसवाल ने 8 रन किए और ओवरऑल टीम का जो स्कोर है वो 164 पहुंचा 20 ओवर के कंप्लीट होने के बाद। तो ये रहा यूएई का बैटिंग एनालिसिस। सब बात करते हैं नेपाल के बॉलिंग की। एंड यहाँ पर बॉलिंग की बात करें, जैसे कि कहीं ना कहीं कल इससे पिछले वाले वीडियो में आपने कहा था कि नेपाल की जो पेसर्स हैं वो एक बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और उनका अर्ली विकेट्स लेना वो मिड के बॉलर्स को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। और आज करण केसी अपने फर्स्ट स्पेल में विकेट नहीं ले पाए, वो बहुत ऑफ कलर गए। मेरे ख्याल से करण केसी का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल गया है T20 करियर में, इतने रन शायद उन्होंने पहले शायद नहीं पक्का कभी रन इतने रन नहीं दिए हैं, तो मोस्ट एक्सपेंसिव क्या होता है, एक आदमी ऑफ रहता है, लेकिन आज नहीं पॉसिबल, उन्हें विकेट नहीं मिला। लेकिन सोमपाल कामी ने बैक टू बैक 2 विकेट जो दिला दिए, आखिर वो काम कर दिया जो आप कहते हैं कह रहे थे कि शुरुआत में पेसर तरफ से विकेट मिल जाना, वो बार बार रिलीफ मैसेज भेज रहा है मिड के बॉलर्स के लिए, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और उसका हमें देखने को भी मिलता है कि किस तरीके से इनिंग स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। विद्या अरविंद को देखें, आपने उनको बांधे रखा और आपने वसीम जैसे प्लेयर को आउट कर दिया तो वो स्लो होनी थी। बिल्कुल, आप पहले ही उन्हें पेविलियन भेज चुके हैं तो बहुत ज्यादा इनिंग जो है वो ठहर सी जाती है। एक पार्टनरशिप हुई 28 रन के बाद 65 पर विकेट गिरा था अगला, जो कि आसिफ खान का विकेट था, 18 रन बनाकर वो भी आउट हुए, लेकिन वो एक्सीलरेट नहीं हुए, वो ही नहीं, वो तेजी के साथ नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर कोई ऊपर का रहता खालिद या मोहम्मद वसीम या विद्या अरविंद ही एक्सीलरेट कर पाते, लेकिन क्यों 2 विकेट आपने पहले गिराया, तो उसका थोड़ा पहले पार्टनरशिप बिल्डअप करना उतने में ही टाइम लग जाता है और वो टाइम हमें देखने को यहाँ मिला है। लेकिन बाकी बॉलर्स जो हैं, खासकर करण केसी का आज ऑफ डे रहा है, इसलिए हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। बार बार ये कहना कि खराब हो गए चले गए वो अनाड़ियों की बात होती है, वो अनाड़ी लोग ऐसा कहते हैं कि अरे करण केसी पिट गए, करण केसी ने हरवा दिया या वगैरह वगैरह, जो भी है बहुत बड़े बॉलर हैं, एक रेस्पेक्ट भी चीज़ होती है कि जो उन्होंने कमाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले मैच में
अगले गेम में वापसी जरूर करें। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पर देखें कुशल मल्ला की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे। आज के दिन का, आज के स्पेसिफिक डे की हम बात करें तो 4 ओवर में 10 रन काफी बांधे रखा उन्होंने। बिल्कुल, बहुत जाएगा बहुत हद तक जाएगा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत उन्हें भी हो रही थी और जब सेटल वो सेटल इन होने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त, लेकिन कुशल मल्ला ने बहुत अच्छी लाइन रखी है, बहुत बेहतर। उनका ये सीरीज भी काफी अच्छा गया है बॉलिंग से भी अगर हम देखें, 4 ओवर में 10 रन उन्होंने दिए, विकेट नहीं मिला लेकिन प्रेशर बना के रखा। बिल्कुल, उसके बाद अविनाश बोरा ने भी अच्छी कराई है यहाँ पर, 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट निकाले। करण केसी का स्पेल थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर गया, हमने कहा आपको, 4 ओवर में 53 रन और 1 विकेट मेरे ख्याल से जो लास्ट ओवर में डाला उसी में वो विकेट मिला था। तो खैर ओवरऑल ये का भी, जी हाँ, 1 ओवर में 18 रन दिए हैं, वो थोड़ा सा वो यॉर्कर ट्राई करने के चक्कर में अपना जो आर्म है वो ओवर द से राउंड द में आ जाते हैं, वो कई बार हमने देखा है इसके चक्कर में, कभी कभी तो यॉर्कर पड़ जाती है लेकिन कभी कभी फुल टॉस, कभी कभी बहुत सारा टप्पे शॉर्ट बॉल पड़ के छक्का, 2 छक्के भी मारे हैं उनके ओवर में, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया। बिल्कुल, वो 18 रन कहने के थोड़े से ज्यादा वहाँ पर पड़ गए, वरना वहाँ पे डिफेंस एरिया अगर अपने जिस जगह पर डालना चाहते थे वहाँ पड़ जाता तो डेफिनेटली शायद वहाँ पर 8-10 रन और बचाए जा सकते थे। खैर ये कंप्लीट बॉलिंग एनालिसिस की बात है, जहाँ पर सोमपाल के शुरू के 2 विकेट्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज अगर हम देखें जो बाद के जो स्कोर जो है वो कंट्रोल में आया, वरना उसके अलावा भी 160, ये चीज हम जरूर लगातार कहेगा कि मोहम्मद वसीम के चलने के बावजूद, ना चलने के बावजूद भी जो यूएई स्कोर कर रहा है और अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने, ये एक पॉजिटिव साइन उनकी बैटिंग के लिए जरूर रहेगा यूएई के पर्सपेक्टिव से, अगर आप ये चीजों को देखेंगे। और जिस दिन फिर मोहम्मद वसीम चल गए और इनका सपोर्ट मिल गया तो शायद हमें 180-200 के आसपास स्कोर मिले, जो कि रीजनल फाइनल्स में जरूरी होगा, क्योंकि बड़े बड़े गेम्स हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स वहां पर रहेगा, आप चाहेंगे कि सामने टीम को आप प्रेशर में रख पाए। खैर ये बात हो गई, अब चलते हैं जरा नेपाल की बैटिंग एनालिसिस की तरफ। कुशल भुरतल और आसिफ से दोबारा से ओपनिंग करने के लिए आया, आज फिर से कुशल भुरतल कहीं ना कहीं फ्लॉप है और ये एक बड़ा कंसर्न जरूर बनता जा रहा है रीजनल फाइनल से पहले। डेफिनेटली यही ओपनिंग पेयर कैरी फॉरवर्ड करे और यही तो हम लगातार कहते रहते हैं और यही करेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कुशल भुरतल को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसंट्रेट अप करना होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए बॉल पिछले मैच में उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया था, बॉलर ने नहीं लिया था, और आज भी आपने देखा है बोल्ड, आज भी हम बॉल को थोड़ा क्रेडिट दे नहीं, 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 थोड़ा नहीं पूरा क्रेडिट जाएगा यहाँ पर बॉलर को, जिस तरीके से बॉल आगे रखी है और गैप बहुत ज्यादा था बल्ले में, जो कि एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज का रहता ही है और वो दिख रहा है हमें, तो ये अपने आप में फॉर्म अब मिल जाए, वो T20 क्रिकेट है, इसलिए बस हम ये कह रहे हैं कि शायद हाँ कोई किसी बल्ला खुल जाएगा, बल्ला एक क्षण दूर है वो बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो T20 के बेस पर यहाँ पर क्लियर है कि हाँ बस अगर आप कुशल भुरतल कुछ ही दूर है कि हाँ 25-30 रन एक इनिंग में वो मार कर शायद वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ODI के लिए होता तो खैर वो अलग बात है, वो तो खैर अलग ही क्रिकेट है, लेकिन T20 में हम कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा कुशल भुरतल को आना होगा थोड़ा रिदम में, थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि कभी कभी तो 8 विकेट दे के चले जाते हैं, लेकिन आज जो है आज के डे में बॉलर ये बॉलर का विकेट था। बिल्कुल सही कहा, पिछले मैच में शिकायत थी कि आपने विकेट खुद अपने हाथों से दे दिया है, लेकिन आज में बॉलर क्रेडिट जरूर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोमपाल कामी को आज वापस से भेजा गया कि टाइम स्पेंड करें, लेकिन डेफिनेटली इस बार भी ये प्लान जो है वो फ्लॉप गया, पिछले मैच की तरह ही इस मैच में शॉर्ट बॉल कहीं ना कहीं आए और उनका उन्हें पुल करने के लिए गए और बॉल खड़ी हो गई और वो कैच आउट हो गए, शायद विकेट कीपर नहीं कैच किया, अमृतियार नहीं कैच किया था। उसके बाद कुशल मल्ला वहां पर आए, वो भी कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली रन आउट यहाँ पर हो गए कुशल मल्ला। कुशल मल्ला के रन आउट में एक चीज जरूर कि एक तो बॉल उनकी स्लो थी 30 यार्ड के अंदर थी और जब उन्होंने शॉट खेला वो बैकफुट पे चले गए, बिल्कुल तो ऑलरेडी वो 1-2 कदम पीछे थे, तो कुशल मल्ला को या तो उस रन को रन के लिए भागना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी 2 कदम पीछे चले गए, और अगर वो भागे भी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने डाइव मिस आउट कर दिया। बिल्कुल, अगर वो डाइव करते तो 80% चांस होता कि वो बच जाते, क्योंकि उन्होंने स्लाइड किया बैट, अगर वो डाइव करते तो बच सकते थे, यही कहना कि उनका रन आउट एनालिसिस बनता है, वो ऑलरेडी 2 कदम पीछे चले गए, ऊपर से जब वो दौड़ रहे थे तो मेरे ख्याल से जो बॉलर है वो उनके सीट पे थे, आसिफ शेख और रोहित पटेल एंड इस पार्टनरशिप को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नहीं जरूर बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस पार्टनरशिप ने 80 बॉलें खेली है और 99 रनों की पार्टनरशिप की है, सबको दिखेगा बाउंड्रीज मारी है, क्लियर किया है, लेकिन दाद देनी होगी इन दोनों की, ताली बजानी होगी कि जिस स्पीड के साथ ये दोनों भाग रहे थे, इतना स्टैमिना था दोनों में, क्लोज कॉल, सिंगल सिंगल का डबल किया, आसिफ शेख बल्ला रख रहे और बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ताकि जब वो देख भी रहे हैं फील्डर को देख भी रहे हैं कि बॉल कितनी स्पीड में कहां तक उन तक पहुंच रही है, यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस
नजर आई है दोनों बल्लेबाजों की। हम जब ये 99 रन की पार्टनरशिप हो रही थी और बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आया है ये क्रिकेट या इस इन दोनों बल्लेबाजों का जब ये खेल रहे थे, एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस बिना किसी ज्यादा रिस्क के, और शॉट भी क्या लगाए हैं आसिफ शेख ने, जो छक्के लगाए हैं, ये रहता है। हम और आपने पहले भी बात की है, आसिफ शेख की जो शॉट्स होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है, कहने के डेल क्रेड आप मानेंगे यानी मैं आप इसे पूछ रहा हूँ, शायद जितने भी बैटिंग यूनिट के प्लेयर्स हैं नेपाल में सबसे खूबसूरत शॉट उन्हीं के देखने में लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, अगर जब वो शॉट्स खेलते हैं बिल्कुल जिस तरीके से वो बैट का फ्लो लेके आते हैं शानदार रहता है। 6 चौके 2 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं इस इनिंग में, और रोहित की भी रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही है, जिस तरीके से आसिफ की रही है इतनी लंबी इनिंग 62 रन 50 बॉलों में कमाल की इनिंग रही है, बेहतरीन सीरीज जा रहा है उनका, ये अच्छे रिदम में है। वहीं रोहित पुढ़ल लगातार रन कर रहे हैं, टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ओवर जब आया, जब मेरे ख्याल में आकिफ रजा का वो ओवर था 16वां ओवर, वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कराया आकिफ रजा ने, 15वां या 16वां मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन इन्हीं दोनों ओवर में से कोई एक था जो आकिफ रजा का था, ऑफ साइड में खासा स्ट्रगल कराया रोहित को, और रोहित परेशान भी हो गए थे, लेकिन बहुत कूल रहे, काम रहे, और अपनी टीम को गेम में फिनिश कराने में मदद भी। बिल्कुल 80 बॉलों में 99 रन की पार्टनरशिप की है इस जोड़ी ने, जब वो एक साथ खेलना उन्होंने शुरू किया, और 124 का उनका स्ट्राइक रेट रहा इस इनिंग में। तो आप देखिए हम उस पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर का एज अ यूनाइट 124 का स्ट्राइक रेट, आप देखिए कितनी बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, उन्होंने रन भी किए, और ये नहीं कि सिर्फ छक्के छक्के मारे, उन्होंने रन भागे हैं, सिंगल डबल्स लिए हैं, जिसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इन दो बैट्समैन को जरूर जाएगा। अब कंपेयर की बात कर, दीपेंद्र भी आएंगे, अब कंपेयर की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आप देखिए आसिफ ने किस तरह से अपनी इनिंग को बेहतरीन लगातार स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपने इनिंग को बिल्डअप किया, और जहां पर विद्या अरविंद ने 50 बॉल जरूर खेली लेकिन 88 का स्ट्राइक रेट वहां पर रहा। ये कंपैरिजन हम करना चाहते थे, जो आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि विद्या अरविंद ने क्या गलतियां की हैं इन कंपेयर टू आसिफ शेख। उसके बाद रोहित पुढ़ल की इनिंग काफी बेहतर रही, और उसके बाद और जिस रोल के लिए दीपेंद्र सिंह एरी जैसे प्लेयर्स का T20 में जन्म हुआ है, मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, वो उनको बिल्कुल सूट कर रहा था, बहुत शानदार, जैसे ही वो आए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था दीपेंद्र सिंह एरी के लिए। बिल्कुल 5 ओवर में 50 करीब रन चाहिए थे और वहां पर नेपाल को जीतने के लिए, लेकिन जिस तरीके से दीपेंद्र ने आकर 15 बॉलों में 40 रन 6 चौके 1 छक्का 260 ओवर का स्ट्राइक रेट, 266 बिल्कुल बहुत कमाल की इनिंग रही है, और बहुत क्लिनिकल बैटिंग यूनिट से नेपाल बहुत ज्यादा क्लिनिकल हो रहा है, बहुत ज्यादा दूसरी टीमों के लिए हॉरेबल साबित हो रहा है नेपाल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, और शॉट भी ऐसे कि हाँ लगे कि हाँ बल्लेबाज नहीं ये शॉट खेला है। ऐसे नहीं कि अनाड़ी की तरह हाँ लग रहा है कि एच चला जा रहा है या उआई करके चौका चला जा रहा है, नहीं पावरफुल हिटिंग है, पावरफुल मिडिल फेस में आ रही है, एकदम मिड में लग रही है बल्ले के, बहुत कमाल की इनिंग रही है आसिफ की, रोहित की, उनकी तो खैर रनिंग बिटवीन द विकेट भी वन ऑफ द बेस्ट है नेपाल की रनिंग बिटवीन द विकेट वर्ल्ड में, अगर हम देखें वर्ल्ड क्रिकेट में डेली क्रिकेट यहाँ से एसोसिएट या बहुत वर्ल्ड में बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रनिंग है प्लेयर्स की रनिंग बिटवीन द विकेट, अगर हम बात करें क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है हर बल्लेबाज, बिल्कुल सही कहा, तीनों बल्लेबाज जी हाँ, इन तीन बल्लेबाज की खास करके सही कहा आपने, कुशल बुर्तल को भी रिदम में आना होगा, और ये सोमपाल कामी को जो ऊपर भेजने का दोनों बार जो प्लान था ये कहीं ना कहीं बैकफायर किया और ये फ्लॉप जरूर हुआ है, ये भी हमें कहना होगा। कुशल मल्ला मेरे ख्याल से 2 बार रन आउट हो चुके हैं अभी तक इस सीरीज में, 4 मैचेस में 2 बार रन आउट हुए हैं, थोड़ा सा रन आउट काफी हो रहे हैं, खैर वरना 2 और मौके उन्हें मिल सकते थे, तो ये कहीं ना कहीं बैटिंग का हाल रहा आज की डेट पर अगर हम बात करें, जहां पर एक और क्लिनिकल यहाँ पर नेपाल के हाथ लगी है। अब बात करते हैं जरा यूए की बॉलिंग की, यहाँ पर बॉलिंग की बात करें, अगर बॉलिंग कार्ड के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की बॉलिंग यहाँ पर रही है? शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली, 3 विकेट बहुत जल्दी गिरा दिए, पहला पावर प्ले भी उन्होंने जीत लिया इन कंपेयर टू यूएई, अगर हम उनके खिलाफ बात करें। मिड फेस में आपको क्या लग रहा है, बॉलिंग में किस तरीके की चीज़ें आपने देखी, लेंथ वगैरह क्या थी बॉल्स की? बिल्कुल देखिए, बॉलर ने अपनी कोशिश ज़रूर की है बाहर रखने की, ऑफ साइड में रखने की, लेकिन ज़्यादा आगे रख रहे हैं जिससे कि ड्राइव लगाने में बहुत आसानी हो रही है, जो हमने देखा रोहित का आसिफ का, क्योंकि उसी वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और सबसे बड़ी दिक्कत है बॉलर्स फील्डर्स का जो बहुत ज़्यादा बहुत तेज होना, जिससे 1 का 2 हो रहा था, यहाँ पर हुआ है बहुत फील्डिंग मिस हुई है और 2-2 रन करके बहुत ज़्यादा भागे हैं नेपाल के बैट्समैन, जिससे कि प्रेशर आया है बॉलर्स पर और बॉलर्स ने अपनी लाइन और लेंथ बदली है। ये जहूर खान पर भी अप्लाई होता है, उन्होंने 2 शॉर्ट बॉलें डाली आसिफ को,
एक चौका गया मेरे ख्याल में ऑफ साइड की तरफ, कवर एरिया की तरफ नहीं, डीप स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने मारा था एक ऐसे करके, वो पहला चौका था। दूसरा उन्होंने पॉइंट की तरफ मारा बैक टू बैक लगातार जहूर खान पे, वो सीधा पॉइंट की तरफ चौका था। पटकी हुई बॉल थी, और अगर आप पटकी हुई डाल रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पर डालिए। ये क्या शॉर्ट बॉलें हैं जब आप स्लोअर भी रख रहे हैं, और इतनी पटकी बॉल है कि आराम से बैट्समैन तक पहुंच रही है, और पढ़ भी ले रहा है, इतना वक्त भी है, बस इतना वक्त भी है, और उन्होंने चौका जड़ दिया। दो लगातार बैक टू बैक इधर उधर चौके मारे, एक तो पॉइंट पे और एक मेरे ख्याल में स्क्वायर लेग की तरफ। तो ये इतना ज़्यादा ईजी गेम हो गया था, और दाद देना होगा दोनों बल्लेबाजों को जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, फील्डर्स की गलतियाँ, और फिर वो बॉलर्स पर आए कि बॉलर ने अपनी लाइन लेंथ बदली। आकिफ रजा के एक ओवर में 16 रन बने, जहां पर रोहित ने भी मारा और दीपेंद्र ने भी लास्ट में उन पर अटैक किया था, 16 रन उन पर आए थे, वरना उनका स्पेल भी अच्छा जा रहा था। 4 ओवर में 28 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला है। जवादुल्लाह ने अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 27 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए। पर जहूर खान और अली नासिर बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 39 रन अली नासिर ने दिए। नीलांश केसवानी ने आज वो स्मार्ट बॉलिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक रह गई, टप्पा थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, थोड़ा स्टंप टू स्टंप ज़्यादा रख सकते थे थोड़ा सा, लेकिन वो भी हमें देखने को मिला नहीं। 4 ओवर में 34 रन उन्होंने भी दिए। बिल्कुल, अली नासिर लगातार कहीं ना कहीं ढेरों रन्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से नेपाल के खिलाफ पिछले मैच में इन्होंने खूब सारे रन दिए थे, 30-40 के आसपास, तो 8 ओवर में 80-85 रन इन्होंने दे चुके हैं नेपाल के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं अली नासिर जो है बॉल से यहाँ पर ज्यादा हमें कमाल करते हुए नहीं आ रहे, तो ओवरऑल ये बॉलिंग सिलसिला। अब हम बात करते हैं उस शुरू में जो हमने कहा था कि क्रिकेट बोर्ड से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, वो ये रहेगी कि होम एडवांटेज की अगर हम बात करें, अगर होम की बात करें तो नेपाल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोहराए नहीं है। हमने कई कुछ ऐसी टीमें देखी हैं जो अपने होम में काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया की बात करें, ओवरऑल पिक्चर में बात करें, बांग्लादेश की अगर हम बात करें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। उसी लिहाज से अगर हम एशिया की बात करें, चलिए उसी में कहीं ना कहीं नेपाल भी आ जाती है। तो एक रिक्वेस्ट हमारा ये रहेगा जो हम लगातार कहते हैं कि डेफिनेटली फुल मेंबर्स के खिलाफ ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, भले उनके एक साइड के खिलाफ ट्राई करिए, फुल मेंबर्स के खिलाफ अपने होम में कम से कम प्लेयर्स को बुला सकते हैं और प्लेयर्स का अच्छा टेस्ट होगा। और यहाँ पर जिस तरीके चाहे आप ODI रखें या T20 रखें, और बेहतर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा और प्लेयर्स कहीं ना कहीं, और फिर धीरे 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 जब आपके टाइप बेहतर हो तो आप फिर इसको जाकर अवे का सिस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप होम से करें तो बहुत बेहतर रहेगा। टारगेट जरूर करिए, कोशिश जरूर करिए, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अब बारी आ गई है कि एशियंस में डेफिनेटली टू स्ट्रॉन्ग कभी कभी नजर आते हैं नेपाल, इन कंपेयर टू अगर हम एशियन टीमों की बात कर लें, ओवरऑल बात करें, लेकिन फुल मेंबर्स को यहाँ बुलाया जाए तो और अच्छा टेस्ट होगा और प्लेयर्स और बेहतर करेंगे, और वहां पर जीतते हैं तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो फिलहाल इस तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि फुल मेंबर्स का ट्राई जरूर किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार पोस्ट मैच एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहेंगे। क्रिकेट बेहतर अगर आप खेले तो फिर जीते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा खेल कर क्रिकेट टीम जीती है, और वो चारों मैचेस में कहीं ना कहीं नेपाल ने किया है, टीम ने स्ट्रगल किया उसके बाद वो मैच जीते, इस बारे में ज्यादा खुशी होती है।